Hello friends, once again welcome to my channel myaceclasses. आज का टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019. युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुकुंदगम शर्मा की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय खेल समिति ने 2019 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए विजेताओं की घोषणा की. आज इस टॉपिक के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल पुरस्कार तथा पुरस्कारों के विजेताओं की चर्चा करेंगे. सर्वप्रथम हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की चर्चा करते हैं. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का गठन सन 1991-92 में किया गया था. इस पुरस्कार को खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है. विगत 4 वर्षों में खेलों में सराहनीय प्रदर्शन व उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से हर वर्ष सम्मानित किया जाता है. इस पुरस्कार के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए की नगद राशि, एक पदक व प्रशस्ति पत्र हर खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है. इसके अंतर्गत इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है. पहले हैं बजरंग पूनिया, दूसरा दीपा मलिक, दोनों हरियाणा के हैं. बजरंग पूनिया रेसलिंग से संबंधित है जबकि दीपा मलिक पारा एथलीट है. बजरंग पूनिया पूर्व में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं जबकि इस वर्ष पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें प्रदान किया गया. जबकि दीपा मलिक भारत की पहली पारा एथलीट महिला है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इस वर्ष सम्मानित किया गया है. द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसका गठन सन 1985 ईस्वी में किया गया था. खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है. इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की नगद राशि, गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र व औपचारिक पोशाक प्रदान किया जाता है. इसके अंतर्गत 6 खिलाड़ियों को इस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. रेगुलर कैटेगरी में विमल कुमार बैडमिंटन, संदीप गुप्ता टेबल टेनिस, मोहिंदर सिंह ढिल्लो एथलेटिक्स, जबकि लाइफ टाइम कैटेगरी में मर्जबान पटेल हॉकी, रामवीर सिंह खोकर कबड्डी व संजय भारद्वाज क्रिकेट को. हर वर्ष रेगुलर कैटेगरी एवं लाइफ टाइम कैटेगरी के अंतर्गत खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है. अर्जुन पुरस्कार, इसका गठन सन 1961 ईस्वी में किया गया था. विगत 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. नगद 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है. इसके अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत इस वर्ष कुल 19 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है जिनमें हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर एथलेटिक्स, मोहम्मद अनस याहिया एथलेटिक्स व मिस स्वप्ना वर्मा एथलेटिक्स. रविंद्र जडेजा मिस पूनम यादव क्रिकेट से संबंधित है. रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर है जबकि मिस पूनम यादव इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम में बॉलर के तौर पर खेला करती है. एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग, मिस सोनिया लाथेर मुक्केबाजी, चिंगलेन साना सिंह कांगुजाम हॉकी, अजय ठाकुर कबड्डी, गौरव सिंह गिल मोटर स्पोर्ट्स. अजय ठाकुर भारतीय कबड्डी टीम के वर्तमान में कप्तान हैं तथा एक अच्छे रेडर माने जाते हैं. प्रो कबड्डी लीग के ये एक जाने माने खिलाड़ी हैं. अन्य खिलाड़ी हैं मिस अंजुम मोदगिल निशानेबाजी, हरमीत राजू देसाई टेबल टेनिस, मिस पूजा ढांढा कुश्ती, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल. अन्य प्राप्तकर्ता हैं भामिदीपति साई प्रणीत बैडमिंटन, सिमरन सिंह शेरगिल पोलो,
जबकि पारा स्पोर्ट्स में दो व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, प्रमोद भगत बैडमिंटन व सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स। ध्यानचंद पुरस्कार, इसका गठन सन 2002 ईस्वी में किया गया था। खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में प्रदान किया जाने वाला यह एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत नगद 5,00,000 रुपये, ध्यानचंद की कांस्य प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी, अरूप बसाक टेबल टेनिस, मनोज कुमार कुश्ती, नितिन किरताने टेनिस, सी लालरेन सिंगा तीरंदाजी को इस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसका गठन सन 2009 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक व निजी संस्थाओं को जिन्होंने खेल के विकास और प्रोत्साहन में विशेष भूमिका निभाई हो को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत व्यक्ति अथवा संस्था को एक ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसमें कैश नहीं प्रदान किया जाता है। गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन तथा रॉयल सीमा विकास ट्रस्ट, ये तीन ऐसे संस्थान हैं जिन्हें इस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इस पुरस्कार का गठन सन 1956-57 ईस्वी में किया गया था। यह एक अंतर विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता है। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को 10,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को क्रमशः 5,00,000 रुपये व 3,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत इस वर्ष प्रथम स्थान पर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का स्थान रहा, जबकि द्वितीय व तृतीय स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तथा पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का स्थान रहा है। धन्यवाद दोस्तों।